सरकार द्वारा दी गई गाइडलाइन का पालन करते हुए मंदिरों के पट खुलने लगे हैं। आज मथुरा के विश्व प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर के पट भक्तों के लिए खुल गए हैं। यह मंदिर कोरोना महामारी के चलते 2.5 महीनों से बंद था। कोविड-19 महामारी ने इंसान के जीने के सारे तरीकों को बदल दिया है। लगभग 2.5 महीने के लॉकडाउन के बाद सरकार द्वारा अनलॉक 1 में तमाम तरीके की छूट दी गई। इसके तहत 8 तारीख से मंदिर मस्जिद सभी धार्मिक स्थल खोले गए। 7 जून को मंदिर व्यवस्थापक और प्रशासन की एक बैठक हुई, जिसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों ने मंदिर व्यवस्थापकों को सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन से अवगत कराया। उन्हीं गाइडलाइन का पालन करते हुए आज मथुरा का विश्व प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर भक्तों के लिए खोल दिया गया। फिलहाल मंदिर सुबह 9:30 बजे से 11 बजे तक और शाम को 6 बजे से 7 बजे तक खोला जाएगा। इसके बाद धीरे धीरे समय को बढ़ाया जाएगा। वहीं मंदिर के गेट पर आने वाले भक्तों की थर्मल स्कैनिंग की जा रही है, सैनिटाइजर से हाथ धुलवाए जा रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए घेरे बना दिए गए हैं। मंदिर में सभी भक्तों को मास्क लगाकर आना अनिवार्य है। मंदिर में ना तो चरणामृत मिलेगा और ना ही प्रसाद मिलेगा। एक बार में 5 व्यक्तियों के मंदिर में प्रवेश करने पर छूट है। हालांकि मंदिर के मैनेजर का कहना था कि जिन भक्तों को भगवान का प्रसाद लगाना है वो एक दिन पहले अपनी रसीद कटाकर बुकिंग करा सकते हैं। अगले दिन प्रसाद उनके घर होम डिलीवरी करा दिया जाएगा। द्वारकाधीश मंदिर खुलने से भक्तों में खुशी की लहर दौड़ गई। सभी अपने अपने आराध्य के दर्शन करने के लिए बेताब दिखाई दिए। इसी के साथ द्वारकाधीश मंदिर हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसाल बना हुआ है। यहाँ एक मुस्लिम भक्त जो कि महीनों से दर्शन का इंतजार कर रहा था, आज उसकी मुराद दर्शनों के साथ पूरी हो गई। भक्त ने बताया कि वो सन 74 से द्वारकाधीश मंदिर में ठाकुर जी के दर्शन और आरती करने आता है। वो ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए हमेशा आतुर रहता है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद वकील कुरैशी है। अच्छा, आज आप यहाँ ठाकुर द्वारकाधीश मंदिर में 2.5 महीने बाद दर्शन करने आए हैं, क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ बताएंगे? हमें सर जो है ये बड़ी कृपा वर्षी है जो कि 2.5 महीने के बाद में दर्शन दिए हैं। राजा धीराज ने जो है दर्शन तो हर वक्त उनके दिल में रहते हैं हमारे में, समझे। सन 74 से हम राजा धीराज के दर्शन कर रहे हैं, जमुना जी की धोख दे रहे हैं। कोई जगह ऐसी नहीं है जो है समझे साहब जहाँ के जो है अपन नहीं जाते हुए। हमको जो है सभी देवता देवताओं से, देवी देवताओं से, पीर पैगंबरों से, सभी से निस्बत है। हम एकता चाहते हैं, भाईचारा चाहते हैं। राजा धीराज की कृपा रहे हमारे मथुरा में, जो है सभी की उन्नति होवे और सब जो है खुश रहें, यही राजा धीराज से आज ढोक दे करके प्रार्थना की है हमने। जाओ